काई करियो भाई साहब, थोकिया गई ना है तो लगा दिया था साइड पे। कोई लकड़ी मारी की? कौन मारी? चला गया वो यार। जय माँ कर्णी की दोस्तों, जय गो माता की। मैं श्याम गोविंद सर और मेरे YouTube फेसबुक पर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों अभी हम जो चानी फांटा पर रेस्क्यू के लिए आए हुए हैं, आज जिस लोकेशन पर आए हुए हैं, यहाँ बजरी की खान है जो रामकृष्ण जी बाणे के गांव के निवासी हैं, उनकी हैं। और उनके यहाँ पर एक कोबरा स्नेक यहाँ घूमता फिरता हुआ कहीं से दैया जी का है। विपिन दैया जी का। विपिन दैया जी, हरियाणा रोहतक। विपिन दैया जी का बता रहे हैं। और यहाँ पर आ चुके हैं रेस्क्यू करने के लिए एक कोबरा स्नेक का, जो ये नीम के ऊपर चढ़ रहा था, तो इसको हम निकालते हैं, लेकर चलेंगे जंगल में रिलीज करने के लिए। दोस्तों ऐसे बेजुबान जीवों को बचाए रखें, इन्हें मारे नहीं। प्रकृति और पर्यावरण के हमारे बहुत ही प्यारे मित्र हैं। कहाँ गिरे भाई साहब, थोकिया गई इन्हें है? तो लगा दिया था साइड पे। कोई लकड़ी मारी की? कौन मारी? चला गया वो यार। ध्यान रखना चाहिए, जन बस कान बुलाया हमारे, बस बाहर ना होता जब। खून आ रही है, खून आ रखी है। ऊपर उड़ाल तोड़ दे, हिद ऊपर के काट दे। जो चोट पहुंचाने की कोशिश की है, और इसका शरीर है जो लहूलुहान है, ये टूट चुका है बीच से। कहाँ रही ठोकी भाई साहब? किस चीज से मारी है? अरे यही लकड़ से मारा हो, चला गया हो, तो मना किया जब भी। यार मारना नहीं चाहिए था, ये फंस चुका है बुरी तरह से। ओहो टूट गया ना, ये तो टूट गया, लग चला दिया ना, मारा लग तो फंस गया, बीच में फंस गया यार, फंस गया बुरी तरह, फंस गया। दोस्तों इसके शरीर की हैं जो गांठें आ रखी है बुरी तरह से, हैं जो ये फंस चुका है। और इसको मारने का पूरा कोशिश किया है उन लोगों ने, लेकिन ये बीच में है जो फंस चुका है। ये देखिए जगह जगह पे है जो खून लगा हुआ है। दोस्तों बुरी तरह से फंस चुका है। ओहो यार, वो पूरी तरह तोड़ दी। अरे बात रे, दुख है बाप रे। और यार बिना छेड़ी थानू कोई नुकसान थोड़ी पहुंचा था, और बिना छेड़ी की नहीं नुकसान कोई पहुंचा था। बिना छेड़े नहीं पहुंचा था, इसका नुकसान कर दिया आपने। आप इसने तो आपको कोई नुकसान नहीं किया ना, बीच से तोड़ दिया है बुरी तरह से। दोस्तों ये यहाँ से है जो पूरी तरह से टूट चुका है, इसका शरीर यहाँ से बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, और ये बीच से भी टूटा हुआ है।
डंडों से इसके ऊपर प्रहार किया गया है, जिसकी वजह से ये घायल हो चुका है काफ़ी। हालांकि दोस्तों बिना छेड़े ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। भारत का दूसरा सबसे जहरीला स्नेक है, लेकिन ये शांत स्वभाव का होता है। ये इसके ऊपर किसी चीज़ का दबाव आने पर ही ये बाइट करता है, नहीं तो किसी के ऊपर ये बाइट नहीं करता है। और इसकी जो पूंछ है पीछे से ये पूंछ डैमेज हो चुकी है, और इसके पीछे का शरीर जो है यहाँ से भी टूट चुका है, क्योंकि इसके ऊपर डंडे का प्रहार किया गया है। जगह जगह खून पे हैं जो धब्बे लगे हुए, इसको करते हैं डिब्बे के अंदर बंद और लेकर दोस्तों चलेंगे हम जंगल में रिलीज करने के लिए। ये डर के मारे हैं जो अटैक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसको है जो नुकसान पहुंचाया गया है। डबल है गाड़ी में, डबल श्यामा डबल है। तो चलेंगे दोस्तों, और इसका जो भी ट्रीटमेंट होगा वो ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से है जो घायल है और चल फिरने में असमर्थ है। ये अभी चल फिर नहीं सकता है। किसे मारा था वैसा, कौन से मारा थे? गांव के बैठे रहा चांदी रही है सोच न जाए यार, लेकर मैं अगर बामर हो बना सही मत है आज उठा है तो बाबर बिना सेडी को नुकसान थोड़ी कौन सा है। ठीक है मैंने कॉल कर दिया यार, तो नहीं कॉल तो करने बोलता हूं कौन मारना नहीं। ये जीवन बहुत दूर है, क्योंकि एक चोट लग रही हो बहुत दूर हो मरे खत्म को नहीं हुए। एक बार सर काट दे तो एक घंटों तक खत्म को नहीं हुए, एक दो घंटों मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नए एपिसोड के अंदर। और इसको लेकर हम चलेंगे, जो भी इसका ट्रीटमेंट होगा ट्रीटमेंट करेंगे, और इसको तैयार करके जंगल के अंदर रिलीज कर देंगे। मिलते हैं ऐसे ही नए रेस्क्यू के अंदर।